A very good morning to all of you. I'm Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I'm going to discuss a very important and basic topic under educational psychology, or psychology you can say, stages of child development. Okay? Balya Vikas ke Charan. My video will be bilingual for benefit of both Hindi and English medium students. For more updates, kindly join my Telegram group Explore Education and do subscribe my channel too for getting my further lectures and videos. Okay, and this video will be useful for certain teaching examinations because child development and pedagogy is the constituent of many examinations. Okay, component of. Okay, first of all, जब भी हम विकास की बात करेंगे तो हमको वृद्धि और विकास के बीच के अंतर को पहले समझना होगा. ओके, क्योंकि अगर हम सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देते हैं, हमारा थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट्स बिटवीन शो द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो कभी कभी हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं वृद्धि को और विकास को, जबकि दोनों चीजें अलग है, दोनों कंसेप्ट अलग है. लेमैन में तो चल जाएगा हम वृद्धि बोल रहे हैं विकास बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप डिसाइपल हैं एजुकेशन के, साइकोलॉजी के किसी भी ब्रांच के, तो आपको इनका अंतर पता होना चाहिए. क्या अंतर है? मैनी पीपल यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली, बट इन रियलिटी दीज टू टर्म्स मीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ये मैंने आपको बता दिया. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस रिफर्स टू मेजरेबल क्वांटिटीज, यानी कि आप इस अंदर पे समझ सकते हैं कि वृद्धि को हम नाप सकते हैं, मापनीय गुण है, जैसे कि हाइट, वेट. वेयर इज डेवलपमेंट क्या है? रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल मैच्योरेशन. हमारा मैच्योरेशन हो रहा है, फंक्शनल मैच्योरेशन, दैट इज मैच्योरेशन ऑफ द रोल प्लेड बाय द बॉडी सिस्टम इन इट्स प्योरेस्ट सेंस. यानी कि रोल प्ले जो हमारी बॉडी करती है, उसके फंक्शन में मैच्योरिटी अगर आ रही है तो वो डेवलपमेंट है. अगर मेजरेबल क्वांटिटीज में हम मेजर कर सकते हैं वो वृद्धि, तो वो वृद्धि है कि हाइट पहले से बढ़ गई, वेट पहले से बढ़ गया, दैट इज ग्रोथ. ओके, ग्रोथ डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट्स रेफरेंस ओनली टू आउटवर्ड फिजिकल ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बाहरी जो हमें वृद्धि दिख रही है, बट दैट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन. ब्रेन भी ग्रो कर रहा है जैसे हम पैदा हुए से लेकर जब तक हम एडल्टहुड तक जाते हैं. ओके, हेंस इट इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल, बट डेवलपमेंट बाय कंट्रास्ट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस. यानी कि हम मोटा मोटा ये देख सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव, गुणात्मक वृद्धि हो रही है, यहाँ मात्रात्मक वृद्धि हो रही है. ओके, तो डेवलपमेंट को हम एंडरसन और हर्डॉक के शब्दों में देखें. हर्डॉक साहब की बहुत बढ़िया किताब है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, बहुत जानी मानी किताब है, आप उसको रिफर कर सकते हैं. एंडरसन क्या कह रहे हैं? एज एंडरसन हैज एम्फसाइज्ड, नॉट इज डेवलपमेंट मियरली अ मैटर ऑफ एडिंग इंचेस टू एबिलिटी. मतलब ये नहीं है योग्यता जितने इंच है फिर थोड़े दिनों बाद इतने इंच हो जाती है फिर इतने इंच हो जाती है, ये सिर्फ एडिंग इंचेस नहीं है विकास, बल्कि क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. बहुत सारी संरचनाओं और कार्यों का ये एक समेकित रूप है जो कि जटिल है, वो है विकास. और हर्डॉक के शब्दों में, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहरेंट चेंजेस. मतलब प्रोग्रेसिव है यानी उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, ऑर्डरली है मतलब क्रमबद्ध है, और कोहेरेंट है मतलब सब मिला के चल रहा है, यानी कि एक अंग अलग विकसित होता जा रहा है, हम शरीर विकसित नहीं हो रहा है, इस तरीके का नहीं है. प्रोग्रेसिव सिग्निफाइज दैट द चेंजेस आर डायरेक्शनल. प्रोग्रेसिव बता रहा है कि एक दिशा में हो रहा है, वो बैकवर्ड नहीं है बल्कि फॉरवर्ड है, दैट दे लीड फॉरवर्ड रादर देन बैकवर्ड. है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि हम पहले इतने विकसित थे फिर कम विकसित हो गए फिर कम विकसित हो गए, नो, उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ जाना है. ऑर्डरली एंड कोहेरेंट सजेस्ट दैट देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन स्टेज एंड द स्टेजेस व्हिच प्रीसीड और फॉलो इट. यानी जो चरण है वो उनमें एक दिशा है, वो एक कोहरेंट सबके साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, क्रमबद्ध है. तो ये तो हुआ वृद्धि और विकास के बीच का अंतर जो कि आपको पता होना चाहिए. ओके, देन डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट. विकास के बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि फिजिकल होता है, हमको दृष्टिगोचर होता है, हमारी लंबाई और हमारा भार बढ़ता है. कॉग्निटिव होता है, यानी कि हम पहले
चीजों को बेहतर नहीं समझ पाते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं तो और बेहतर समझते हैं, फिर एक उम्र के बाद हम और बेहतर समझते हैं. इमोशनल है डेवलपमेंट. पहले हमको क्या होता है, स्व से हमको प्यार होता है, सेल्फ लव, सिर्फ जो हमको अच्छा लग रहा है वही हम करते हैं. लेकिन इमोशंस पे बाद में हमको कंट्रोल आ जाता है, हमको इमोशनल आउटबर्स्ट पे हम कंट्रोल करना सीखते हैं, रेगुलेट करना सीखते हैं, मैनेज करना सीखते हैं अपने इमोशंस को. सोशल है डेवलपमेंट. सोशल में कि हम सामाजिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहना सीखते हैं. मॉरल है, हमको पहले हम गलत सही क्यों करते हैं कि हमें डर लगता है, हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें सजा मिलेगी, हमारी हमको अच्छे से बात नहीं की जाएगी, हमको चॉकलेट नहीं मिलेगी, ट्रॉफी नहीं मिलेगी. लेकिन जैसे जैसे हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता जाता है, हम यूनिवर्सल लॉ समझ जाते हैं कि किसी को हर्ट नहीं करना, ये यूनिवर्सल मॉरल लॉ है. और हमको सिर्फ इसलिए नहीं फॉलो करना है कि हमको कोई सजा मिलेगी, बल्कि इसलिए कि ये सही है. ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट. पहले बच्चा नहीं बोल पाता है, फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है, पहले उसका वोकैब संकुचित होता है, फिर बहुत सारे शब्द सीख जाता है. ओके, तो बहुत आप इसको देखेंगे तो कहीं कहीं आपको स्पिरिचुअल भी मिलेगा. ओके, तो लेकिन इतने से काम चल जाएगा आपका, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट. ओके, देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ये भी देखिए, आप किताबों में देखेंगे तो आपको बहुत तरीके का मिलता है. कहीं मिलता है आपको इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ये भी मिल सकता है. लेकिन यहाँ पर मैंने मैक्सिमम जो स्टेजेस हो सकती हैं आपकी वो सब कवर की हैं, प्रीनेटल डेवलपमेंट से लेके ओल्ड एज तक. इसके बाद कहीं कहीं किन किन किताबों में, किन किन लिटरेचर में डेथ की भी एक स्टेज है, लेकिन वो मैंने यहाँ पे स्किप की है. ओके, तो प्रीनेटल डेवलपमेंट, इन्फेंसी, टॉडलरहुड जिसको बेबीहुड भी कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड. देखिए चाइल्डहुड की दो स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड. फिर एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में भी अर्ली एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस हो सकता है. लेकिन उसके लिए फिर एडोलेसेंस पे बहुत इंफेसिस करना पड़ेगा. यहाँ चूंकि पूरा मैंने ओवरऑल कवर किया है, इसलिए आप इतना इंफेसिस एडोलेसेंस पर यहाँ नहीं देंगे. फिर एडल्टहुड में भी अर्ली एडल्टहुड है, मिडिल एडल्टहुड है, लेट एडल्टहुड भी है, या लेट एडल्टहुड को ही हम ओल्ड एज कह सकते हैं. ओके, तो इतने चरणों से एक बालक जब से वो कंसेप्शन में आता है, अपने माँ के गर्भ में से लेकर मृत्यु तक की स्टेजेस हैं. ओल्ड एज के बाद डेथ आ जाएगा. इसमें द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू द एज 6, जब आप शैशवावस्था में बालक है से लेकर उम्र 6 तक, 6 वर्ष की उम्र तक, ड्यूरिंग द प्री स्कूल एज जिसको कहा जाता है, रैपिड डेवलपमेंट, मतलब बहुत उत्तरोत्तर, बहुत तीव्र गति है, बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है, से लेकर दौड़ने लगता है. उसके बाद क्या होता है, स्लो डाउन है. ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट से. प्रीनेटल डेवलपमेंट में क्या आएगा, डे ऑफ कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब इसमें वो सारा विकास हो जाएगा जो माँ के गर्भ में हो रहा है, यानी कि जिस दिन से वो माँ के गर्भ में शिशु आया, भ्रूण आया, एम्ब्रियो आया, उस दिन से लेकर जब तक उसका जन्म हो जाता है वो भी विकास है. वो तो बहुत बहुत तीव्र तीव्र विकास है यहाँ पर, है ना, बहुत तीव्र वृद्धि है, डेवलपमेंट भी है, ग्रोथ भी है. तो इस पीरियड को प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं. कई कई वैज्ञानिक, कई जानकार क्या करते हैं, पूरे डेवलपमेंट को दो भागों में बांट देते हैं, प्रीनेटल और पोस्टनेटल. तो पोस्टनेटल में, यानी नेटल से क्या मतलब है, जन्म से पहले और जन्म के बाद, यही तो मतलब है. तो जन्म के बाद में आपका पूरा इन्फेंसी से लेकर डेथ तक आ जाएगा, और प्रीनेटल में जिस दिन से कंसेप्शन हुआ से लेकर बर्थ तक. ओके, the approximate duration of this period is 270 से 280 दिनों का ये लगभग ड्यूरेशन है जो माँ के गर्भ में शिशु व्यतीत करता है. the growth period of growth of the fetus in mother's womb. ओके, तो इसकी तीन स्टेजेस, इसको भी तीन भागों में आप बांट सकते हैं. जर्मिनल स्टेज जिसको कि पीरियड ऑफ द जायगोट भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसको पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो कहते हैं, एंड पीरियड ऑफ फीटस. अब देखिए, वैसे ये टॉपिक बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसी क्लिष्टता नहीं है जो आपको समझ में आएगी. लेकिन चूंकि बहुत इजी है, इसलिए हम लोग अक्सर इसको क्या करते हैं, सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं. और सवाल पूछा जाता है कि जर्मिनल स्टेज को कौन सी स्टेज कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज को कौन सी स्टेज कहते हैं, या एम्ब्रियोनिक स्टेज का लाइफ टाइम स्पैन क्या है, जर्मिनल स्टेज का टाइम स्पैन क्या है. तो हम इतने छोटे से और आसान सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे अगर हमको नहीं पता होगा. तो जर्मिनल स्टेज क्या है, एग लाइक ऑर्गेनाइजेशन. जायगोट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ह्यूमन एज. एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, भ्रूण. तो जर्मिनल स्टेज क्या है, हाँ, एग लाइक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग इन मदर्स वोम एंड द पीरियड इज फॉर अबाउट 2 weeks जस्ट आफ्टर कंसेप्शन. यानी कि जिस दिन कंसेप्शन हुआ से लेके 2 हफ्ते बाद तक का समय जर्मिनल स्टेज या पीरियड ऑफ द जायगोट कहलाता है, ह्यूमन एज का समय. फिर उसके बाद आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज. ये कहाँ से है, फ्रॉम 3rd week टू द एंड ऑफ 7th week. या आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक, 7th week मतलब लगभग 2 महीने हो जाएंगे. तो 2 वीक से लेके 2 महीने तक का समय क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है.
During this period, the embryo grows from the microscopic single cell ovum up to a faint structure of fetus. तो इस अवस्था में क्या होता है, इस चरण में क्या होता है कि एक माइक्रोस्कोप से जो चीज दिखती है उससे लेकर वो थोड़ा सा हल्का धुंधला फीटस का आकार ले लेता है. और पीरियड ऑफ फीटस क्या है, बिगिंस फ्रॉम द 9th वीक ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टिल बर्थ. नवें वीक कंसेप्शन से लेकर जब तक बच्चे का जन्म होता है तब तक का समय पीरियड ऑफ फीटस कहलाता है. ओके, देन इन्फेंसी. इन्फेंसी में मतलब शैशवावस्था. शैशवावस्था का मतलब द स्टेडी प्रीनेटल डेवलपमेंट फेसेस एन एंड एंड ए शॉक एट द टाइम ऑफ बर्थ. देखिए वो बालक के लिए बहुत शॉक का समय है जब वो माँ के घर से बाहर निकला रहा है, क्योंकि वहां तो वो एकदम, उसको कुछ भी करना नहीं है, वो एकदम सेल्फ सिक्योर, एकदम कोहेसिव कोजी इन्वायरमेंट में, कुछ भी उसको खुद से नहीं करना है, टेम्परेचर सब कुछ उसके अकॉर्डिंग है. और जब वो बाहर निकलता है तो सब कुछ उसको खुद व्यवस्थित करना है. इसीलिए कहते हैं कि बेबी क्राई जो है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लंग्स में पहली बार वो उसको एक्टिवली यूज करता है, इसलिए वो रोने की आवाज निकलना जरूरी होता है. ओके, फीटस नाउ इज इन अ ड्रास्टिकली डिफरेंट एनवायरनमेंट. एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है उसके एनवायरनमेंट जब जब बच्चे का जन्म होता है. एंड फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल शी और ही कैन एडजस्ट. और आगे का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि कितना बढ़िया वो एडजस्टमेंट अपने वातावरण के साथ करता है. Adjusting to room temperature, breathing independently, sucking and swallowing the milk, elimination of the body waste are prime areas that the newborn needs to master. यानी कि जो कमरे का temperature है उसे adjust करना, खुद से सांस लेना, माँ के दूध को suck करना, अपने body waste को बाहर निकालना, ये सब सबसे बढ़िया, सबसे आप कह सकते हैं प्राइम वो टास्क हैं जो कि न्यू बॉर्न को सीखने होते हैं और उसके विकास के लिए, उसके एडजस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं. फिर देयर इज स्लाइट वेट लॉस ड्यूरिंग इन्फेंसी. जब वो पैदा हो जाता है उस वक्त उसका जो बर्थ होता है उसे जस्ट बाद उसका वेट लॉस होता है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए प्लेट्यू इन डेवलपमेंट. इसको कहते हैं पठार आ गया, एक प्लेटू स्टेज आ गई, उसके बाद फिर वो वेट गेन करता है. द पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू द डिसकनेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज द पीरियड ऑफ पार्टनेट. बर्थ से लेके अम्बिलिकल कॉर्ड के डिसकनेक्शन का जो समय होता है उसको पीरियड ऑफ पार्टनेट कहते हैं. और पीरियड फ्रॉम कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अप टू द फॉलिंग इज नोन एज द पीरियड ऑफ नियोनेट. अम्बिलिकल, देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है बच्चा ना, तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड से निकालते हैं बच्चे को बाहर, काटा जाता है, से लेके जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड गिरती है वो अपने आप सूखे गिर जाती है थोड़े दिनों में, एक हफ्ते 10 दिन में, उसको पीरियड ऑफ नियोनेट कहते हैं. तो ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए. और आफ्टर दिस पीरियड द बेबी बिगिंस टू रीगेन लॉस्ट बर्थ वेट एंड रिज्यूम डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है कि अपने खोए हुए वेट को वो गेन करने की कोशिश करता है, रीगेन करने की, और अपना विकास शुरू हो जाता है शैशवावस्था के बाद. फिर आता है आपका टॉडलरहुड या बेबीहुड. बेबीहुड इज द स्टेज दैट फॉलोज इन्फेंसी एंड एक्सटेंड्स बिटवीन 2 weeks टू 2 years. मतलब 2 हफ्ते से लेके 2 साल तक का जो समय है जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो आपका टॉडलरहुड या बेबीहुड है. डेवलपमेंट ड्यूरिंग बेबीहुड इज द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ स्पैन. देखिए 2 वर्ष तक बच्चे का विकास जिस तरह से होता है वो पूरी उसकी जीवन पर्यंत उसके विकास को प्रभावित करता है. इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे केयर, लव, अफेक्शन, वार्मथ शो करने की जरूरत होती है बच्चे को. रैपिड फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है. इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी. वो स्वतंत्र जीव की तरह से धीरे धीरे विकसित हो रहा है, उसकी इंडिविजुअलिटी विकसित होती है. सोशलाइजेशन सीखता है 2 साल तक का बच्चा. सेक्स रोल टाइपिंग सीख लेता है. अब तो बच्चों को पैदा होते ही वो लड़का है या लड़की दुकान वाले पूछता है कि नहीं तो ब्लू जाएगा नहीं तो पिंक जाएगा बच्चे के लिए सामान. तो सेक्स रोल टाइपिंग सीखता है. और बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लर्न टू वॉक बाय 2 years. 2 साल तक लगभग बच्चे चलना सीख जाते हैं, सॉलिड फूड ले लेते हैं, पार्शियल कंट्रोल उनका एलिमिनेशन आ जाता है, वो बता देते हैं कि उनको कब एलिमिनेट करना है. लर्न द फाउंडेशन ऑफ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्पीच सीख जाते हैं. एंड टू इमोशनली रिलेट टू पेरेंट्स एंड अदर्स. कौन उनके संबंध में क्या है उससे वो इमोशंस शो करना भी सीख जाते हैं. तो बहुत हद तक बच्चे का विकास यहाँ तक हो जाता है. फिर आया आपका अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड को कहेंगे पूरा चाइल्डहुड 2 से 12 तक में है, जिसमें कि 2 से 6 को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, 6 से 12 को लेट चाइल्डहुड कहते हैं. तो जो ये आपका पूरा टाइम स्पैन है इसको हमने बांट दिया है, अगर हम 2 से 6 वाला लें तो वो क्या है, प्री स्कूल स्टेज है. एक स्लाइड मिसिंग हो गई.
कोई नहीं, प्री स्कूल स्टेज, तो ये जो 2 से 6 वाली है उसको प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज, क्योंकि बच्चा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है अपनी दुनिया इस वक्त, क्वेश्चनिंग स्टेज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत क्यूरियस होता है, बहुत हमसे क्वेश्चन पूछता है ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इमिटेटिव एज, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को इमिटेट करने की, अपने रोल मॉडल्स, हीरो हीरोइन जो भी उसको पसंद है उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है, एंड क्रिएटिव एज है ये बच्चे की। तो हमको एज अ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत बहुत ऐसी अच्छे से बोलने लगता है, सेंटेंस फॉर्म करता है, इमोशंस आर इंटेंस विद फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशंस बहुत इस वक्त आवेग जो है बहुत तेज होता है उसमें, और एकदम इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, वो गुस्सा करता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। द चाइल्ड प्रोग्रेसिवली मूव्स ऑन टू इंडिपेंडेंस एंड इज नो लॉन्गर द बेबी, अब उसे कहा जाता है अब तुम बच्चे नहीं हो, है और वो खुद भी इस चीज को महसूस करता है। सिबलिंग लड़ाइवल भी होती है इस वक्त, अपने भाई बहनों से झगड़ा, उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, हमें कम क्यों मिल रहा है, आप उसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमें कम प्यार करते हैं, ये सारी चीजें 2 से 6 वर्ष तक में होती हैं। एंड द सिस्टम मस्ट नॉट बी अथॉरिटेरियन बट बेस्ड ऑन लव एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड। तो हमें इस वक्त बालक का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, बालक का मतलब बालिका भी, बोलने के लिए बालक बोला जाता है। ओके, देन लेट चाइल्डहुड, तो ये 6 से 12-13 साल तक चलता है। इसमें क्या होता है, पीयर ग्रुप अज्यूम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस, यहाँ पे बालक का जो समवयस्क ग्रुप है उससे उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, मेरा फ्रेंड है, मेरा सर्किल है, एंड चिल्ड्रन ऑफ दिस एज क्राउड टुगेदर और गैंग अप, साथ में उठते बैठते हैं इस समूह के बच्चे, दस केयरिंग द नेम का, अर्निंग द नेम गैंग एज, इसलिए गैंग एज भी कहा जाता है इस एज को, लर्न टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, अपने साथ के साथियों के साथ उठना बैठना सीखता है बच्चा, बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक सीखता है, necessary for everyday living concept सीखता है, एक conscience उसके अंदर develop हो जाता है, एक sense of morality develop होती है, एक values अपने मूल्यों के लिए जीना, morality क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, develops attitude towards social groups and institutions, मतलब ये school है, ये library है, ये घर है, ये विद्यालय है, ये पुस्तकालय है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, उसमें जाना उनका social institution के तरफ एटीट्यूड डेवलप होता है, लर्न फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, छोटे मोटे खेल के लिए फिजिकल स्किल आ जाती है उसके अंदर, एंड बिगिंस टू डेवलप एप्रोप्रिएट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल्स, यानी कि सेक्स रोल यहाँ पे विकसित होना शुरू हो जाते हैं। फिर आती है आपकी स्टेज एडोलेसेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टेज है लाइफ में, क्यों, क्योंकि ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की कड़ी है। तो चाइल्डहुड अगर एडोलेसेंस अच्छे से आपने क्रॉस कर ली तो आप बेहतर एडल्ट के रूप में विकसित हो सकते हैं। अच्छा, हर स्टेज की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसके डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, हैरी हर्स्ट ने बताया है, लेकिन अगर उसको ऐसे करके इंक्लूड करते हो और बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ से कट कर दिया है, तो आप उसको अलग से पढ़ सकते हैं कि डेवलपमेंटल टास्क हर स्टेज के लिए बताए गए हैं, और हैरी हर्स्ट ने कहा है कि हर स्टेज का जब डेवलपमेंटल टास्क हम अचीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में ट्रांजिशन स्मूथ होता है हमारा, अदरवाइज डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज आते हैं जीवन में। ओके, तो और एडोलेसेंस आपको पता होना चाहिए कि रीसेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिटरेचर में, क्यों, पहले क्या था कि बालक है और उसकी शादी हो गई तो तुरंत क्या हो गया, वयस्क हो गया, तो ये जो आपकी किशोरावस्था है वो आती ही नहीं थी, तो ये रीसेंट कॉन्सेप्ट है, स्कूलिंग और आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इन सब के बाद ये आ रहा है। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है हमारे जीवन की। इसका क्या मतलब है, लिटरली मीन्स टू ग्रो टू मेच्योरिटी, आप कैसे मेच्योर, कैसे ग्रो कर रहे हैं मेच्योरिटी की तरफ, इसका ये अर्थ है। इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड बता दिया मैंने आपको, एज रेंज इसकी 12 से 19 है, बल्कि 13 से 19 कहा जाता है, इसीलिए इसको टीन एज एजर्स भी कह रहे हैं, 13 में 19 तक 3 आ रहा है, इसीलिए टीन एजर्स हैं ये। रैपिड फिजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इंक्लूडिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी, ना प्यूबर्टी का टाइम है ये। देन स्टैनले हॉल ने इसको कहा है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, बहुत स्ट्रेस और स्टॉर्म होता है इसको जीवन में। अचीविंग इमोशनल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यहाँ पे हम थोड़ा इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी भी कुछ पॉकेट मनी हो, हमारी भी कुछ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो। हाइटेंड इमोशनैलिटी है, बहुत ज्यादा इमोशंस, मूडी होता है इस वक्त स्टूडेंट, इस वक्त बच्चा, कभी अच्छा मूड है, कभी तुरंत खराब मूड है विदाउट एनी रीजन। देन गेनिंग सेल्फ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसको इलिक्सन ने क्या कहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेस रोल कंफ्यूजन की स्टेज है, यानी कि या तो हम पता कर लेते हैं कि हम क्या आइडेंटिटी या हमारा रोल कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट एम आई, और मैकेनिज्म ऑफ मॉरल कोड शुड बी डेवलप, जरूर यहाँ पे मॉरल कोड डेवलप हो जाना चाहिए। देन एडल्टहुड,
एडल्टहुड को भी हम मान सकते हैं अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड या ओल्ड एज। एडल्टहुड में क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट एजेस, मतलब इसमें है ये नहीं कि इतने एज पे हो जाएगा, कल्चर के हिसाब से कल्चरल चेंज की किसको आप अर्ली एडल्ट बोलेंगे, किसको मिडिल और किसको लेट। फिर भी मोटा मोटा अर्ली एडल्टहुड कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेके यानी कि आप एडोलेसेंट 19 पे क्रॉस करते हैं से लेके 40 तक। अच्छा ये भी देखिए कि अब क्या है एडोलेसेंट बढ़ गई है, एडोलेसेंस एज जब तक आप 30s में भी चले जाते हैं और आप शादी हुए तो आप एडोलेसेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में रहते हैं, तो ये सब पुराना ये क्लासिफिकेशन है, समय के संग ये चेंज होना चाहिए, हो जाएगा कालांतर में, लेकिन आप समझने के लिए समझिए। फिर बाय द टाइम वी रीच अर्ली एडल्टहुड अवर फिजिकल मैच्योरेशन इज कंप्लीट, आप बन चुके हैं, फिजिकल मैच्योरेशन सेक्सुअल मैच्योरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अर्ली एडल्टहुड में फिजिकल एबिलिटीज पीक पे, एकदम हम जोश से भरे हुए, एकदम हमारे में ताकत है, हमारे में मसल स्ट्रेंथ है, सेंसरी एबिलिटीज है, कार्डियक फंक्शनिंग एकदम बढ़िया चल रही है इस वक्त आपके शरीर में। ओके फिर मोस्ट प्रोफेशनल एथलीट्स आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम ड्यूरिंग दिस स्टेज, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो 19 से 40 20 से 40 40 के बाद क्या होते हैं रिटायरमेंट ले लेते हैं इस वक्त, फिर बाद में डिक्लाइन होने लगती है फिजिकल एबिलिटीज। सेटलिंग डाउन एज है, ये रिप्रोडक्टिव एज है, प्रॉब्लम एज भी है, प्रॉब्लम एज क्यों, क्योंकि बहुत सारा काम है इस वक्त ना, एडजस्टमेंट करना है आपको वर्क के संग, अपने स्पाउस के संग, अपने स्टूडेंट्स के संग, अपने चिल्ड्रन के संग, अपने बच्चों के संग, तो बहुत फ्रेंड्स के संग, रिलेटिव के संग, तो ये प्रॉब्लम एज है, इतनी बैलेंसिंग मुश्किल हो जाती है। सोशल आइसोलेशन की स्टेज कहा जाता है, भाई एडोलेसेंट तक तो आप क्या थे, गैंग एज में थे, पीयर ग्रुप के संग आपका रोज का उठना बैठना, अब क्या है आपकी जॉब लग गई है, आपकी शादी हो गई है, आपका अलग फैमिली हो गई है, तो आप क्या हो गया है, मतलब थोड़ा सा हम उस हिसाब से अपने दोस्तों के संग, अपने रिलेटिव के संग उठ बैठ नहीं पाते हैं, टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, तो इसलिए इसको सोशल आइसोलेशन की स्टेज भी कहा जाता है। और टाइम ऑफ कमिटमेंट, क्योंकि आपको कमिटमेंट शो करना है वर्क प्लेस पे, अपने घर में, अपने रिलेशनशिप में, इसलिए ये टाइम ऑफ कमिटमेंट भी है। फिर मिडिल एडल्टहुड क्या है, 40 से लेके लगभग 60 कहीं कहीं आपको 65 मिल जाएगा, 40 से 65 वर्ष की उम्र में आप मिडिल एडल्टहुड में, इस वक्त क्या है टाइम फॉर एक्सपेंडिंग पर्सनल एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम फॉर रीचिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फेक्शन इन कैरियर, भाई 60-65 में आप रिटायर हो जाएंगे तो आप एक उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है कि चलिए करियर में आपने जो इतना अचीव करना था आपने कर लिया है। डिक्लाइन इन फिजिकल स्किल्स है, ड्रेडेड पीरियड है ना, नेक्स्ट ओल्ड एज इज द मोस्ट ड्रेडेड पीरियड इन टोटल लाइफ स्पैन, क्यों, क्योंकि आपको अगर आप नहीं अचीव कर पाए तो आपको लगता है कि अरे हम कुछ कर नहीं पाए जीवन में, हमको और करना चाहिए था। टाइम ऑफ ट्रांजिशन है, ऑकवर्ड एज है, मतलब ना ही आप इस वक्त एडल्ट हैं और ना ही इस वक्त आप ओल्ड हैं, तो ये थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाती है। टाइम ऑफ इवेलुएशन है, हम इवेलुएट करते हैं अपनी पूरी लाइफ को कि हमने कैसा जिया, क्या पाया, क्या खोया। टाइम ऑफ एम्प्टीनेस है, खालीपन लगता है इस वक्त जीवन में, अगर आप रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के आसपास हैं, तो टाइम ऑफ बोर्डम भी है। ओके देन लेट एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, ये क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम द 60s और 65s ऑनवर्ड, पेस ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी टेंड टू स्लो डाउन, है ना, अब उस तरीके से आप प्रोडक्टिव नहीं रह गए हैं, अब आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं है, जिंदगी का पेस भी धीरा हो गया है। एक पर्सनल टाइम है रिफ्लेक्शन के लिए, हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने अपने ऊपर कि हमने क्या बेहतर और कर सकते थे, या क्या छूट गया हमसे, या क्या दिक्कत रह गई। फेडिंग ऑफ मेमोरी, इस वक्त जो हमारा स्मृति है वो फेड होने लगती है। टेंशन बिटवीन इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, एरिक एरिक्सन की का अलग से आपको बताना पड़ेगा, वो उन्होंने पूरा साइको सोशल डेवलपमेंट के वो 8 स्टेजेस बताई हैं, उसमें कहते हैं कि ये जो स्टेज है वो इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर की है, मतलब या तो हमको ये लगता है कि हमने बहुत बढ़िया जिया और एकदम जैसे जीना चाहते थे वैसा जिया, तो हम एकदम सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस की स्टेज में हो जाते हैं, या हम दुखी रह जाते हैं, अफसोस की अवस्था में रह जाते हैं कि हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, हमने और अचीव करना चाहिए था, लेस मिला हमको, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हमें, इस तरह से मिला नहीं जीवन में। ओके तो इंडिविजुअल्स आइदर केम टू एक्सेप्ट देयर लाइफ एज हैविंग मीनिंग एंड इंटीग्रिटी, और दे कंटेम्प्लेट देयर लाइफ एज अनप्रोडक्टिव एंड अनफुलफिलिंग फीलिंग डिस्पेयर। ओके इसके बाद डेथ भी है, पर उसको आप एज अ स्टेज लीजिए, आप उसको तो उसको मैंने नहीं लिया फिलहाल। ओके तो ये लंबा टॉपिक था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी बोली शायद, क्योंकि मैं चाह नहीं थी बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बने, बिकॉज फिर आप उसे सुनना नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स जनरली। ओके सो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है कि क्या है, कैसे एक बालक जायगोट से लेकर डेथ या ओल्ड एज तक की स्थिति में किन किन चरणों से गुजरता है, क्या उसके डेवलपमेंटल टास्क हैं, क्या उसको कैसे सीख जाना चाहिए, कैसे उसका विकास होता है, और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ पेरेंट, आप क्या बेहतरी के लिए उसके कर सकते हैं। ओके So thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel,
and join my Telegram group 2 for further updates and learning materials. If you want, you can ask your query there. You can share your feedback with me there. Okay? So that's all from my side.